हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम इलेवन में फुटबॉल की टीम देने वाला हूँ। जो सीरिया ए का मैच है कागिलारी वर्सेस सम्पोडिया के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम देने वाला हूँ गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूँगा, आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। कैगलियारी एंड सम्पोडिया विल फेस ईच अदर इन द सीरिया ए एट यूनिपोल डोमास कैलिगरी इन राउंड 8 मैच। तो आज का जो मैच है, राउंड 8 का मैच है कैगलियारी वर्सेस सम्पोडिया के बीच, तो यहाँ पर सच का मैच खेला जाएगा कैगलियारी में। कैगलियारी हैव बीन स्ट्रगलिंग सो फार दिस सीजन एंड हैव जस्ट 3 पॉइंट्स इन 7 मैचेस। तो यहाँ पर से कैगलियारी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, सभी 7 मैच में उनके पास 3 पॉइंट्स है। दे केम इन टू दिस गेम ऑन दिस बैक ऑफ डिसअपॉइंटिंग 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट वेनेजिया इन द लीग। तो यहाँ पर से जो 1-1 से ड्रॉ किया था पिछले मैच में वेनेजिया के साथ, आफ्टर द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट दे विल बी ईगर टू बाउंस बैक। तो यहाँ पर से काफ़ी चांस उनको मिला है बाउंस बैक के लिए। दे हैव फेल्ड टू विन देयर लास्ट 7 मैचेस इन द लीग, लेकिन उसके बावजूद भी 7 मैच यहाँ पर से लगातार एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं कैगलियारी। सम्पोडिया आर कमिंग ऑफ विद ए ड्रॉ इन देयर लास्ट लीग मैच ओवर यूडिनेस बाय 3-3 स्कोर लाइन। तो सम्पोडिया को उनका पिछला मैच में ड्रॉ किया है लीग मैच में जो यूडिनेस के साथ था 3-3 स्कोर लाइन पे। दे हैव रजिस्टर्ड 1 विन, अभी तक 1 मैच जीता है, 3 ड्रॉस एंड 3 डिफीट्स। तो 3 ड्रॉ किया है और 3 हारा है दिस सीजन एंड आर 16 प्लेस विद 6 पॉइंट्स। तो अभी तक 16 नंबर पे है, उनके पास सिर्फ 6 पॉइंट है। दे हैव रियल चांस टू कलेक्ट ऑल 3 पॉइंट्स इन दिस मैच एज दे आर फेसिंग रॉक बॉटम ऑफ द लीग। तो यहाँ पर से रॉक बॉटम ऑफ द लीग है, एकदम लास्ट पे है, काफ़ी अच्छा चांस मिला है उनको, जो 3 पॉइंट उनको मिल सकता है आज के मैच के लिए अगर जीत जाएंगे तो। यहाँ पर से रिसेंट जो फॉर्म है कैगलियारी की तरफ से, पिछले 5 मैच में 3 हार और 2 ड्रॉ। सम्पोडिया पिछले 5 मैच में 1 जीत, 2 ड्रॉ और 2 हार। इंजरीज एंड सस्पेंशन के बाद में बात करते हैं कैगलियारी की तरफ से। रॉक सेबेस्टियन वाल्वेस लियोनार्डो पैवलेथी शायद आज का मैच नहीं खेलेगा। सम्पोडिया की तरफ से मिकेल डाम्सगार्ड शायद आज का मैच नहीं खेल सकता है। यहाँ पर से कैगलियारी की तरफ से आज का मैच स्टार्ट करेंगे गोलकीपर पे क्रागनो, डिफेंडर पे कार्बोनी, केपिटियली कैसेरेस और यहाँ पर से डलवा, जिनमें से कैसेरेस थोड़ा सा बेटर डिफेंडर है। मिडफील्ड पे रहेंगे डायोला, स्टूटमैन, मरीन, जैसे यहाँ पर से स्टूटमैन काफ़ी बढ़िया क्रिएटिव मिडफील्डर है। उसके बाद यहाँ पर से स्ट्राइक की भूमिका नांडेस, बाल्डे और पेड्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनका गोल स्कोरर है टीम का। सैम्पोडिया की तरफ से जैसे यहाँ पर से गोलकीपर पे वाड्रो राइस से स्टार्ट करेंगे ओवियोलो, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पे कॉली वोशिडा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर से जापानीज खिलाड़ी है, ब्रेजिंस की जो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे काफ़ी उम्मीदवार डिफेंडर है। मिडफील्ड पे यहाँ पर से वैरी, एकडल और थॉर्सबाई और कैंडेडवा रहेंगे, जिनमें से एकडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंडेडवा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से काविडियानी और यहाँ पर से क्वेजेलेरा यहाँ पर से स्ट्राइकर की भूमिका निभाएंगे आज के मैच के लिए। गाइस यहाँ पर से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी है एंथोनी कैंडेडवा, जो काफ़ी बढ़िया प्रोफेशनल खिलाड़ी है इंडियन इटालियन, और यहाँ पर से मिडफील्डर खेल सकते हैं और राइट विंगर भी खेल सकता है। यहाँ पर से जैसे इटली नेशनल टीम के लिए भी खेल चुका है और उनका क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छा है, क्लास प्लेयर है। अभी तक 3 गोल यहाँ पर से मार चुका है और 2 असिस्ट अभी तक उनके नाम है। जुआन पेड्रो जो काफ़ी बढ़िया ब्राज़ीलियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है, ये काफ़ी मिडफील्डर की भूमिका निभा सकता है, काफ़ी अटैक कर सकता है। अभी तक 7 स्टार्ट मिला है उनको कैलिगरी की तरफ से और 6 गोल उनके नाम है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और कैप्टन वाइस कैप्टन का भूमिका ले सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाए फैबियो क्वारेज़ावेला, जो इटालियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है, काफ़ी बढ़िया फॉरवर्ड है, सम्पोडिया की तरफ से काफ़ी अटैक कर सकता है और अभी तक स्कोरिंग 1 गोल किया है और 2 असिस्ट है उनके नाम। तो गाइस अब मैं टीम क्रिएट करूंगा कैगलियारी वर्सेस सम्पोडिया के बीच जो मैच है। फर्स्ट यहाँ पर से 2 चॉइस है, एक है क्रैगनो और एक है यहाँ पर से ओडेरो। यहाँ पर से मैं ओडेरो को मेरे टीम में पिक कर लूँगा, यहाँ पर से क्रैगनो को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, काफ़ी सेफ आज को उसको करना पड़ेगा। यहाँ पर से डिफेंडर ऑप्शन भी योशिडा को मेरे टीम में पिक करूँगा, उसके बाद ब्रेजिस स्कूल, उसके बाद यहाँ पर से पिक करूँगा। जैसे यहाँ पर से काफ़ी महत्वपूर्ण चॉइस ओगेलो आज का मैच स्टार्ट कर सकता है, मैं उनको मेरे टीम में पिक करूँगा और एक डिफेंडर के साथ जाऊँगा।
नहीं, यहाँ पर से मिडफील्डर, यहाँ पर से कैंडिडेवा को मेरे टीम में पिक करूँगा, स्टूटमैन को पिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर से पिक करूँगा एक डाल को आप, उसके बाद यहाँ पर से थॉस भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है, तो यहाँ पर से आर्यन सिल्वा खेलेगा या नहीं खेलेगा लास्ट अपडेट में पता चलेगा लाइनअप के बाद। जैसे यहाँ पर से नांडेज काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है, स्ट्राइकर भी यहाँ पर से पेड्रो को मेरे टीम में पिक किया, बाल्दे को मेरे टीम में पिक करूँगा, तो यहाँ पर से थोड़ा सा मैं आड्रियन सिल्वा को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर से क्वारसेला को मेरे टीम में पिक करूँगा और एक डिफेंडर के साथ जाऊँगा। जैसे यहाँ पर से आस्किट्रियन को मेरे टीम में पिक करूँगा। यहाँ पर से आपके पास छोटा सा चेंज आप कर सके जा सकते हो, जैसे यहाँ पर से आप गाबी डियानी को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, यहाँ पर से आप बाल्डे को छोड़ के कोई भी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी ले सकते हो, आप कर सकते हो ऐसा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर से हो सकता है, एड्रियन सिल्वा हो सकता है, आप इसको अपनी टीम में जरूर पिक कर सकते हो, या यहाँ पर से नांडेज काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, आप इस ये तरफ के टीम पर भी जा सकते हो। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का जो चॉइस मैं यहाँ पर से करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से कैंडिडेवा को मेरे टीम में कैप्टन बनाऊँगा और यहाँ पर से पेड्रो को साथ वाइस कैप्टन का भूमिका पर ले जाऊँगा। अदर चॉइस फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वाइटज़ेला, एक डाल काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गाइस। ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ जानने के लिए जरूर कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए गाइस। ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए, बाय बाय।